आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं मंत्री कुमार, इस समय मैं उपस्थित हूँ ग्राम सभा बनगवाड़ी, जो बराक अखर नगर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक दलित परिवार है जो कि निराला नगर मार्केट से सटा हुआ पुरवा है, और यहाँ जो छप्पर डाल करके रह रहे थे उसको उन्होंने अपने किसी तरीके से ये कच्चे ईंटे की दीवार जोड़ करके उसमें पूरा परिवार अपना ले करके गुजर बसर कर रहे थे। अचानक पूरा उनका बनाया हुआ कुनबा, उनका जो जिसमें रह रहे थे, तो पूरा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और बड़ा नुकसान हो गया उस परिवार का, क्योंकि उसमें पूरी जो है दिनचर्या की पूरी जो भी उसकी उठन बैठन खान पान सारे कपड़े लगते राशन पानी सब उसी में था, मोबाइल तक था। बड़ा नुकसान हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कैमरा मैन से, और यहाँ उपस्थित हैं जिनका मकान गिरा है, मोहनलाल जी। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या इसमें था, क्या नुकसान हुआ है। तो क्या नाम है सर? मोहनलाल। मोहनलाल, ये बताइए ये कैसे गिरा है? सर, इसमें छप्पर पड़ा था, अपने आप जैसे हम बगल में खड़े थे ऑटोमेटिक गिर पड़ा। ये कब बना था? अभी लगभग लगभग 10-12-15 दिन हुआ है। तो इसमें क्या क्या था आपका? सर, इसमें बक्सा था, अलमारी था, मोबाइल था, बेड था, जितने बर्तन थे, गैस से सब उसमें था। मतलब गैस सिलेंडर भी इसमें था? सब इसी में था। तो इसमें जाहिर सी बात, सारे सामान इसमें दब गए होंगे? सब इसी में दबे हैं सर। तो आपने किसी को सूचना दिया? नहीं दिए थे सर। नहीं, इसको आपको बुलाया इसलिए? नहीं, हम तो बुलाया आपने, हमने तो आपका जो देखा खबर दिया, और प्रशासनिक अधिकारी भी जो ग्राम सभा के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको आपने बताया? लेखपाल सर को सूचना दिए। लेखपाल ने क्या कहा? अभी बोले हैं, बताता हूँ, लेकिन अभी तक बोले नहीं। देखिए, परिवार इतना गरीब है, इतना शोषित है, किसी तरीके से रोज़मर्रा अपना जीवन बसर कर रहे हैं, मजदूरी या दिहाड़ी कर करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत समस्या है। इन्होंने बताया कि हमने प्रशासनिक अधिकारी जो भी हमारे क्षेत्र के हैं उनको हमने अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया है। आप देख रहे हैं के मास न्यूज़।